जय हिंद जय भारत। कुछ वैकेंसीज है पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको जानकारी ठीक लगती है और आप भविष्य में जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको। तो पहली वैकेंसीज ये सिर्फ एक्सेस मैन के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली ये जो जॉब है गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट रही है और साथ में स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 5,200 रुपये से 20,200 ये बेसिक है और ग्रेड पे 1,900 रुपये दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर 18 से 25 साल है जो एज गवर्नमेंट रूल के अनुसार और रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। वैकेंसी एक ही है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 नवंबर 2023। तो ये वैकेंसीज के लिए आप अपने ज़िला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में जाना होगा आपको और वहाँ से ही अप्लाई करना होगा। ये वैकेंसी सिर्फ एक्सेस मैन के लिए है और यहाँ पर एक ही पोस्ट है, सरकारी नौकरी रहने वाली है। ज़्यादातर ये वैकेंसीज डायरेक्ट होती हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अगली जो वैकेंसी है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसी रहने वाली है और इसके लिए एक्सेस मैन प्लस एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो डेट है 28/10 से लेके 19 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो एग्ज़ाम का होगा 3rd या फिर 4th वीक ऑफ दिसंबर 2023 में है। वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी रखी गई है, जैसे कि आप अलग अलग टाइप की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर विशेषकर मैं बात करूँगा सिक्योरिटी ऑफिसर की और जिसके लिए 15 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप CAPF के हो चाहे एक्सेस मैन हो। कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो इसमें बताई गई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। मैक्सिमम इज 45 ईयर है आपका जो भी डिटेक्शन है उसके करने के बाद, और जो अदर जो मेन क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा किस जो है मेडिकल कैटेगरी से फन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, जिसमें कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। इस वैकेंसी के लिए एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर जो इश्यूज़ हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्मी से है, इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स या फिर नेवी से हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर का दिया जाएगा स्केल 1 के अंतर्गत दिया जाएगा और यहाँ पर अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलेगी। सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन जो रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। ऑनलाइन में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ फ़ीस वगैरह है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो उसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई करना होगा 28 अक्टूबर के लेके 19 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आप वीडियो डिस्कशन में मिल जाएगा। ibpsonline.ibps.in/cbiosp23 इसके माध्यम से आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या नॉर्मल आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आप इसकी डिटेल्स किस तरह से ऑनलाइन से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये बात करते हैं दूसरी वैकेंसीज के बारे में। अगली जो पोस्ट है ये भी रिटायर आर्मी के और CAPF दोनों के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, इससे संबंधित हमें वीडियो पहले भी बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर डिटेल्स बता देता हूँ।
इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू होगा 17 नवंबर 2023 को 9:30 से 11 बजे के बीच में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब में वैकेंसीज है और इंटरव्यू का जो लोकेशन है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ मेडी सिटी SAS नगर पंजाब के अंतर्गत होगा। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट रहेगी। एज 35 ईयर मैक्सिमम यहाँ पे बताई गई है लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट दी जाएगी, उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 35,400 रुपये। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर जो आपका मैट्रिक या 12th मैट्रिक का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जिसमें मार्कशीट, उसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे। उसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो ये तो ठीक है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स आपको वहाँ पर लाना होगा। डिस्चार्ज बुक, कॉपी ऑफ कंप्लीट डिस्चार्ज बुक की पूरी कॉपी आपको वहाँ पर दिखानी होगी। और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है, जो लोकेशन बताया उस लोकेशन पर आप 17 नवंबर 2023 को पहुँच सकते हैं। अगली जो पोस्ट है बैंक ऑफ इंडिया में एक्सेसमेंट्स और CFEF के जवानों के लिए गनमैन की वैकेंसीज है। बैंक ऑफ इंडिया अररिया और कटिहार में वैकेंसीज रहने वाली है, यानी एक एक वैकेंसी दोनों लोकेशन में रहेगी। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 2.76 लाख पर ईयर के हिसाब से दी जाएगी, तो महीने के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग, लगभग 24-25 हज़ार रुपये करीब पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर PFP अलग से दिया जाएगा। छुट्टियाँ होगी जो महीने में होती हैं बैंक में, कम से कम 6 तो छुट्टियाँ होती हैं, 4 तो संडे हो गए और 2 सैटरडे, और बाकी छुट्टियाँ भी होती हैं। आप संपर्क कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, और इन वैकेंसीज के लिए CFEF और एक्सेसमेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज एक गनमैन की रिक्वायरमेंट है महाराष्ट्र, जिसके पास ऑल इंडिया लाइसेंस 12 बोर डबल राइफल हो, और सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये प्लस रहना और खाना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर ये वैकेंसीज BP ग्रुप सिक्योरिटी सर्विसेज की ओर से निकाली गई है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रिंग करके इसकी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी जो कि पूर्व सैनिक और एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। जय हिंद।